नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हमीरपुर महोबा तिदवारी लोकसभा 47 चुनाव के लिए आज हमीरपुर सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति, ब्लॉक प्रमुख जय नारायण यादव, हरी गोविंद जिला प्रजापति पंचायत सदस्य की उपस्थित में कई गांव का भ्रमण करके लोगों से जनसंपर्क किया गया। प्रथम गांव सौखर के बाद कारी माटी, सिमनौड़ा, देवगढ़, टेढ़ा बरुआ, भावरा सुरौली, बुजुर्ग पचकुरा, बुजुर्ग इत्यादि गांव में पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए लोगों से जनसंपर्क किया गया एवं भाजपा के चुनाव निशान कमल के लिए वोट देने की अपील की गई। इस जनसंपर्क कार्यक्रम में भाजपा के भार्गव मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी अरविंद श्रीवास्तव, मीनू महाराज, मोहित साहू, श्याम धुरिया, अरुण कुमार तिवारी, रवि सिंह प्रधान, नरेंद्र कुमार पूर्व प्रधान, सौरभ सिंह वर्तमान प्रधान, नोखेलाल यादव भावना प्रधान, सुरेंद्र सिंह भदौरिया, परशुराम प्रजापति, रामलखन प्रजापति, सुंदर लाल प्रजापति, बिहारी लाल प्रजापति, सुनील सिंह गौतम, महेश गुप्ता, अंकित सिंह, दुर्गेश सिंह, विजय बहादुर, इंतजार खान, अंकित महाराज, दीपू प्रजापति, राम सजीवन प्रधान एवं अलग अलग गाँव के प्रधान एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह जनसंपर्क रात 8 बजे तक संपर्क कार्य चलाया गया। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अरविंद श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। साथियों, मैं थोड़ी चर्चा करूंगा जो गांव का भ्रमण है। हमें कुछ नहीं देखना है, जो आपको ध्यान में रखते हो आपको उनको ध्यान रखना है। जो आपको ध्यान रखते हो, आपने कहा जैसे कि विधायक जी के लिए ग्राम पहुंच गया है, जैसे विधायक जी के सिर सिंदूरी है, मुझे लगता है कि सिन्नौड़ी शायद मूल गांव है, पौथिया गांव है और यहां भी कुछ विशेष है। इन सब गांव में अगर कहीं उनका सीना धड़कता है तो कहीं आत्मा रहती है, तो कहीं तीन निगाह से कहीं देखते हैं। इन सब चीजों का अगर वजन इस गांव में है, छोटे से दर्द में, छोटी सी जुखाम में, छोटी सी तकलीफ में, छोटी सी समस्या में अगर विधायक जी आप लोगों को अपने हृदय में रखते हैं, कभी आपका साथ ना छोड़ा, हर समस्या में खड़े हुए हो, आपके गांव के विकास के लिए लड़ाई लड़े हो, कुछ मत देखना। अगर आप लोगों को लगता है कि विधायक जी ने आपको देखा है तो आप विधायक जी का सम्मान गांव से बचा देना। आरोप लगाएंगे कोई तो हम भी दावे के साथ कहते हैं कि कोई मिले नहीं मिले, हम हमेशा मिलेंगे। और दूसरी तरफ जो लोग ये प्रश्न करेंगे कि मिलते नहीं है, तो उनके वाले भी नहीं मिलेंगे, बहुत रहे हैं पहले। गलत करो, बताओ अजय राजपूत आएंगे क्या यहाँ? एक दिन कभी आ जाए किसी घर में तो चैलेंज वोट मांगने भले आ जाए, वोट मांगने भी नहीं आएंगे। आ जाए तो आ जाए, लेकिन वोट के बाद नहीं आए। लेकिन डॉक्टर मनोज प्रजापति हर दिन जब आपको आवश्यक तो आना जाना रहता है, लेकिन अगर आपके गांव को लगेगा कि मेरी आवश्यकता है तो 10 मिनट की दूरी पे हमारा गांव है, मनोज प्रजापति आपके गांव में हमेशा हाजिर है। तो इन सब चीजों को, संबंधों की चिंता दल से ऊपर उठ करके, गांवदारी से ऊपर उठ करके, अपने अपने कोई आपसी मतभेद है तो उन मतभेदों को दूर करके आप लोग इस गाँव से भारी अंतर से जिता दीजिए। और जीत निश्चित है, हम बता रहे हैं, चुनाव में सरकार बनना भी निश्चित है, जीत भी निश्चित है। तो जब जीत निश्चित है तो हम क्यों पीछे रहे भाई? कोई गिरे कि सौखर में ऐसा हो गया तो बाकी चुनाव तो हम जीते गए तो वो मलाल न रहे और हम लोग भी सीना ठोक के कहे कि नहीं, हम लोग जब लगे तब चुनाव जीत पाए, ये हम कहकर पाए सीना ठोक करके। तो ये सब आप लोगों के हाथ में है। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, मैं किसी योजना की बात नहीं करूंगा। पूरे गांव में तमाम सारे, आप सब लोगों को पता है कितने लोगों के घर बन गए, कितने लोगों के शौचालय बन गए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।